केजरीवाल जी के ऊपर रेड करो। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तंवर। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे देश भर में माहौल सियासी हो चला है। एक ओर जहां सियासी माहौल है चुनावों को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कई खबरें चल रही हैं जिसमें ईडी का एक्शन विपक्ष के नेताओं पर नजर आ रहा है। इन तमाम समीकरणों को लेकर लगातार कई तरह की बयानबाजी हो रही है। एक तरफ लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये कह चुके हैं कि इस बार 400 पार, यानी कि लोकसभा चुनावों में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 400 सीटों के पार जा सकती है। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से ईडी का एक्शन हो रहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पासा पलटा है, उसके बाद विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर ये क्या नौटंकी चल रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा कहा है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने। संजय राउत ने कहा कि 400 पार की बातें करते हैं तो फिर नीतीश कुमार को तोड़ते हैं, फिर शिवसेना को तोड़ते हैं, हेमंत सोरेन पर रेड डलाई जाती है, केजरीवाल पर रेड डलाई जाती है, ये नौटंकी क्यों हो रही है। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, सुन लीजिए। 400 पार है तो ये नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, एनसीपी को तोड़ो, हेमंत सोरेन के ऊपर रेड करो, केजरीवाल जी के ऊपर रेड करो, हाँ ये नौटंकी क्यों चल रही है। आप डर गए हो 400 पार के, आपको 200 नहीं, आप 200 पार नहीं करने जा रहे हो। 400 पार की बात छोड़ दो, आपको 200 पार करने की आपकी औकात नहीं है, इसलिए आप ये सब करके आपका जुगाड़ जो है बहुमत का आप करना चाहते हो, लेकिन नहीं होगा, आप हारने जा रहे हो, आपको राम भी नहीं बचा रहा है। तो संजय राउत के बयान में अरविंद केजरीवाल का जिक्र भी था। अगर अरविंद केजरीवाल पर ईडी के एक्शन की बात करें तो अब तक ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को कुल 4 समन भेजे जा चुके हैं और उन चारों ही समन पर अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा, लेकिन एक बार भी ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो हेमंत सोरेन की बात कर लें, अगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो कल से हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम का लगातार वहां पर जमावड़ा लगा हुआ नजर आया, दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई थी। उधर बिहार चले जाएं तो वहां पर पटना में लालू यादव जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंचे, तेजस्वी यादव को भी ईडी के दफ्तर बुलाया गया, मीसा भारती जो कि लालू यादव की ही बेटी हैं, उनको भी ईडी दफ्तर बुलाया गया था। ईडी का एक्शन लगातार तेज हो रहा है। तो वहीं पर संजय राउत ने जिक्र किया नीतीश कुमार का भी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने हाल में ही बिहार के भीतर सियासी भूचाल खड़ा किया था जब उन्होंने आरजेडी के साथ अपना अलायंस खत्म कर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर अपनी नई सरकार वहां पर जो है फॉर्म की और उन्होंने नवी बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली। पहले इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे नीतीश कुमार, और सिर्फ हिस्सा नहीं थे बल्कि उन्होंने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, लेकिन अब नीतीश कुमार के जाने से जहां एक और इंडिया गठबंधन की नींव को हिलाकर रख दिया है नीतीश कुमार ने, तो वहीं नीतीश कुमार पर भी अब इंडिया अलायंस के कई नेताओं की ओर से हमला किया गया है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर संजय राउत ने ये कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की इस बार लोकसभा चुनावों में हार पक्की है। और उसके लिए संजय राउत ने अपने बयान में तमाम चीजों का हवाला दिया, चाहे शिवसेना में जो दोफाड़ हुई थी उस बात का जिक्र कर ले, नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी है उस बात का जिक्र कर ले, और जिस तरीके से ईडी का एक्शन फिलहाल नजर आ रहा है उसकी बात कर ले। इन तमाम बातों का जिक्र संजय राउत ने अपने बयान में किया और यही बात संजय राउत कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों के बाद भी ऐसा लग रहा है कि जो डर है वो दिखाई दे रहा है और कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार जीत जो है वो बीजेपी को नहीं मिलेगी। कई तरीके से उन्होंने यहाँ पर हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर भी। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।